अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हम बनाएंगे हरीस। उसके लिए चाहिए मूंग की दाल, माश की दाल, तुअर की दाल, चने की दाल। इन चारों दालों को गला लेना है। एक कप रवा, गोश्त, एक हिस्सा रवा है, तीन हिस्से गोश्त है, एक तिहाई रवा, तीन तिहाई गोश्त। गोश्त ज़्यादा डाल लेना हरीस में, उसमें ऐसा चिकना भी डाल लेना। मैं काट ली गोश्त को इस तरह, और नलियाँ भी डाल लेना, सफ़ेद गूँथ के नलियाँ रहना, काला नहीं रहना, सफ़ेद सफ़ेद गूँथ के नलियाँ। ये देखिए सफ़ेद है इसमें, अंदर है ना, सफ़ेद है। गोश्त को इस तरह छोटे छोटे काट लेना। चर्बी डालने से हरीस में टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए चर्बी ज़्यादा डाल लेंगे। ये देखिए ये चारों दालों को मिला को गला लेंगे। रवे को भी अलग से गला लेना। रवे में दाल नहीं डालना, क्योंकि रवा चिकटपन छोड़ता, दाल नहीं गलती, इसलिए दाल को अलग गला लेना। चार दाल मिलाने को गला लेना, रवे को अलग गला लेंगे, दाल को गला लेंगे। लीजिए हम दालों को गला लिए। इस तरह नरम होने देना दाल को। माश की दाल जल्दी नहीं गलती, गलती अलग से गला लिए तो, इनमें मिला लिए तो जल्दी नहीं गलती, नरम होने तक गला लेना। अब हम रवे को गला लेंगे अलग से। रवे में काली मिर्च, दालचीनी, तेज़पत्ता डाल कर रवे को गला लेंगे। देखिए रवे को गला लिए, उसमें से तेज़पत्ता और दालचीनी निकाल को पीस लेंगे रवे रवा। अब इसको भी रख लेंगे। अब गोश्त गला लेंगे। गोश्त में हरी मिर्च पीस को डाल लेंगे। हरी मिर्च है कोथिंबीर, पुदीना, लहसुन, इसमें धनिया पाउडर भी डाल लेंगे, मिर्ची पीस ले रहे हम, उसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाल लेंगे। नमक, अब इसको पीस लेंगे। मिर्ची पीस लिए, अब इस गोश्त में मिला लेंगे। याद रख रही है हल्दी नहीं डालना इसमें, हरीस का कलर है अलग हो जाता, फिर हल्दी डाले तो। अदरक लहसुन डाल लेंगे। अदरक लहसुन ऐसा नहीं डाल लेना, तल के डाल लेना, इसलिए मैं तल ले रहा हूँ अदरक लहसुन को, कच्चा नहीं डालना। लाल होने तक तल लेंगे। लाल हो गया, अब बंद कर लेंगे गैस। अब डाल लेंगे गोश्त में, तेल के साथ डाल लें। बिस्मिल्लाह। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला, पिसा हुआ है, एक से डेढ़ चम्मच डालें। अदरक लहसुन को तल कर डालने से अच्छी खुशबू आती है इसमें। हरीस का गोश्त लिए तो उसमें चर्बी भी रहना और नलियाँ भी रहना, उससे चिकने से अच्छा जायका अच्छा आता हरीस में। गोश्त कम नहीं कर लेना, फिर हरीस नहीं होती, आटा आटा होते अगर गोश्त को कम डाल लिए तो। रवा कम रहना। अब कुकर लगा लेंगे।
गोश्त गलने तक हम दाल को पीस लेंगे, दाल और रवे को पीस लेंगे। दालों को अलग पीस लेंगे। देखिए रवे को और दालों को पीस ली, अब इसको मिक्स कर लेना। ये पीसने के टाइम पे तेज़पत्ता और दालचीनी को निकाल लेना, नहीं तो ये भी पीसने में आता है, इसको बाद में डाल लेंगे। फिर 1 किलो रवा, 1 किलो गोश्त, अगर आप गोश्त कम भी करना चाहते हैं तो 1.25 किलो तो कम से कम रहना, बगैर हड्डी का। हड्डी वाला रहा तो फिर आधा किलो हड्डी आती, आधा किलो गोश्त आता, बगैर हड्डी का 1 किलो गोश्त लेना इसमें। इस तरह बारीक पीस लेंगे। अब गोश्त को देख लेंगे। देखिए गोश्त गल गया, अब गोश्त को ठंडा करके पीस लेंगे। गला गोश्त ठंडा कर लेंगे इसको, और खुले में दाल को ठंडा कर लिया, नली को इसमें झटक लेंगे। अब ये पीस लेंगे। रवे के साथ नहीं पीस लेना, अलग अलग पीस लेना, गोश्त अलग रवा अलग। गोश्त को पीस लिया, अब इसमें मिला लेंगे, रवे में पिसे हुआ रवा है ना उसमें मिला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बहुत बारीक नहीं पीसना, थोड़ा नसा नसा रहना, ऐसा नस नस रहना, अलग अलग। बारीक पीसे तो फिर मसाला हो जाता है। इसको ऐसा मिक्स नहीं होता, घोटने से घोट लेंगे थोड़ी देर। घोट लिया, अब गरम कर लेंगे इसको। देखिए अब इसको गरम कर लेंगे। पुदीना डाल लेंगे, हम हरी मिर्च में भी डाल लिए थे, फिर ऊपर से थोड़ा डाल लेना। तेज पत्ता निकाले थे, तेज पत्ता और दालचीनी, इसको भी डाल लेंगे। और ये प्याज है, प्याज को थोड़ा बारीक करके डाल लें। काजू है, तले हुए काजू, उसको भी डाल लेंगे। अब अच्छा गरम कर लें। अब हम घी डाल लेंगे। घी को पिघला ली मैं, हरी में घी डालना बहुत ज़रूरी है। घी जितना ज़्यादा डालते उतना अच्छा टेस्ट आता है उसमें। आहिस्ता से मिला लेंगे, घी उछलता है इसलिए आहिस्ता मिला लीजिए। नमक मिर्च आप चख के देख सकते हैं, अगर कुछ भी कम है तो फिर आप उसमें डाल लीजिए। अच्छा पकने तक गरम कर लेना, क्योंकि ठंडा करके सब पीस से मिला लिए, अगर गरम नहीं करे तो ख़राब हो जाती, 4 घंटे के बाद ख़राब होना शुरू होती, इसलिए पहले अच्छा पका ले को रख लेना। 2 दिन भी आप फ्रिज में रख तो खा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा, हल्दी डालने से ये कलर नहीं आता, हल्दी नहीं डालना इसमें। गरम मसाला भी पिसा हुआ गरम मसाला डालना, अखा डाले तो फिर मुँह बीच बीच में आता, मुँह में जब खाते हो तो अच्छा पकने देंगे इसको। देखिए पकना शुरू हो गया। अभी प्याज और काजू तल लिए थे, ये तेल डाल लेंगे।
इसको भी मिला लेंगे। अभी तैयार है। इतना पकाए उतना चिकट होते रह जाती है, इतनी पकी उतनी अच्छी होती। अब बनाइए, ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिए, लाइक करिए और कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का इंतज़ार है मेरे को इंशाल्लाह। लीजिए, तैयार है हरीस। मैं इसमें नींबू नहीं डाली, आप जब भी खा रहे हैं नींबू डालने को खा सकते हैं, या गर्म करने के टाइम पे मगर कड़वापन आता है इसलिए नहीं डाली। लीजिए नींबू डाल लेंगे इसमें। लीजिए तैयार है हरीस, ज़रूर खाइए, बनाइए, खाइए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। अल्लाह हाफिज़।